आज सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहते हैं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर ये कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में, ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, ₹623 का रेंट 30 साल तक, अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। लेकिन महोदय, आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित, इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है, और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5,00,000 रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां से। काश नन्हेलाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है। लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज़ इस सदन तक पहुंचेगी ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो। यहाँ बहुत ठहाके लगाए गए कि कोई यात्रा पे निकला था इसलिए उनको लोगों ने कहा कि भैया जमीन हमारी जा रही है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर गरीब की इतनी चिंता है तो पहले सम्राट साइकिल, अद्भुत दृश्य था महोदय, सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए, और फैक्ट्री खुलवाई गई। मुझसे ज़्यादा अर्थशास्त्र के ज्ञानी निशिकांत जी इसलिए वो मैजिक बता पाएंगे कैसे हुआ। कहा गया आइए फैक्ट्री लगाइए,
फैक्ट्री का शिलान्यास करने हम आएंगे, फीता काटेंगे, अचानक फैक्ट्री वो बंद हो जाती है और ज़मीन फाउंडेशन को चली जाती है। फैक्ट्री की ज़मीन है ताकि वहाँ पर नया साधन इंडस्ट्रियल खड़ा हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। कागज़ पर, दस्तावेज पर चिन्हित है कि आप यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अचानक वो ज़मीन परिवर्तित हो जाती है परिवार के पास, और वो परिवार नहीं अभी है भाई साहब, अभी बताती हूँ और डेट्स। वो परिवार उस ज़मीन को लेता है, उनके फाउंडेशन में लिखा आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इतने साल वो ज़मीन खाली नहीं करते। वहाँ का किसान कोर्ट जाता है इस परिवार के खिलाफ, कोर्ट का आदेश लाता है और वो उस आदेश का हनन करते हैं, आज भी उस जमीन पर बैठे हैं। और इस सदन में आकर गरीबों की बात करते हैं।